कहते हैं कौवा पड़ा हुआ है ये सब इधर। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। घूमर जो देशी आती प्लास्टिक वो सबसे ज्यादा पेटियां थी वो ही लेके गए, उसके अलावा अंग्रेजी की जो मिलती है देशी शराब में वो भी पेटी लेके गए। ऐसा लगा हुआ है और ये डाल दें कुंडा खोल जी। कृपया खोल दो, खोलो और जी इस तरफ भी कलेक्टेड चौराहे पर मतलब एसपी ऑफिस और कलेक्टेड ऑफिस से 50-60 कदम की दूरी पर मेरी देसी शराब की दुकान है, अजमेर नगर है, वार्ड 45-49-50। तो 21 तारीख को दुकान खुली हुई थी, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो 23 तारीख से दुकान लगातार बंद चली आ रही थी। तो हमारा लड़का आता था सुबह सुबह और वो जाके दुकान ताले वाले बाहर से देख के चला जाता था। आज आया जब उसने ताला वाला आया जो बाहर लगा हुआ उसको खोल के देखा, अंदर आया तो अंदर वाला ताला टूटा हुआ था और उसमें से कुंडा तोड़ के और शराब 60-65 पेटी वो अंदर से चोरी हो गई। उन्होंने मेरे को सूचना दी, सिविल लाइन थाने पे सूचना दी, हमारे आबकारी अधिकारी को भी वो फ़ोन उठा नहीं रहे, तो पता चला ये चोरी हो गई। क्या लग रहा है चोरी किस तरह से की गई होगी? ये सामने जो दीवार है, दीवार वैसे टूट के आए हैं और कोई ना कोई फोर व्हीलर लाके और माल लेके गए हैं, तो इतनी सारी पेटियां टू व्हीलर वगैरह वैसे जा नहीं सकती। क्या मानते हैं रात को नाकाबंदी? ये सबसे वीआईपी रोड है, सबसे बेस्ट रोड है, ये इसी रोड के ऊपर एसपी साहब का कार्यालय, कलेक्टर साहब का कार्यालय, आगे जाके उनके बंगले वगैरह, दिन भर उसकी मूवमेंट रहती है पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की। लगभग कितने का माल था यहाँ? ये करीबन अभी हिसाब पूरा लगाया नहीं है, बोलने के बाद पूरा वो पर्चा वर्चा चेक हुआ उससे पता चलेगा कितना, फिर भी 1,00,000 से ऊपर की उम्मीद है माल चोरी हो गया। मामला दर्ज करा दिया? हाँ, मामला पुलिस को सूचना दे दी, अभी एफआईआर कटवा रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। राजेंद्र शर्मा।